गाइस अपन यहाँ फाटक पार कर रहे हैं। कम लंबा है कब ऊंचा है? अबे लेट मत कर, जल्दी वहाँ पे हटो। विराट के 2:10 हो रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं स्टेशन में कितना भीड़ भाड़ है। वही मंदिर है ना? क्या क्या मंदिर है वो? तो वहाँ देखिए ऐसा लग रहा है कि आसमान पे तो गाइस ये है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। अरे ये कौन आ गया कैमरा में? साइड बात तो सही है। कोई लेने आएगा नहीं, अपन सही जाना पड़ेगा। अपन यहाँ चल के जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर, जो कि लगभग रेलवे स्टेशन से 2.1 किलोमीटर था और टैक्सी का जो प्राइस था बहुत ही महंगा ले रहे थे, 50 रुपये पर पर्सन, लगभग 200 रुपये। तो अब हमने सोचा कि जब हम अपन केदारनाथ जा ही रहे हैं, 22 किलोमीटर चलना ही है, 2 किलोमीटर क्यों नहीं और चल सकते, इससे अपन पैदल जाने के दांडी यात्रा। ये चुच्चा कौन है नहीं पता, बात तो सही है। तो गाइस इतनी सुबह अपने को बड़ी मुश्किल से बस मिली थी जो कि ऋषिकेश से सीधा सीतापुर के जाती है, जिसका चार्ज लगभग 500 रुपये है। तो अपन सीधा जा रहे हैं सीतापुर। सीतापुर में पहुँच कर हमने देखा कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, जिस वजह से बस बहुत ही पहले रोक दिया गया। अपने को लगभग 10 मिनट चलना पड़ा ट्रैफिक है सीतापुर तक जाने के लिए, वजह से अपने को चलना पड़ रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? देखिएगा यार, यहाँ को सीतापुर बोलते हैं, अपन सीतापुर आ चुके हैं। क्या होटल है दिख रहा है, रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी महंगा भी होगा। उधर शीशे पे अपन दिख रहे हैं, मोटर सेवा भी है आपको 7,000 रुपये में ऊपर और नीचे ले जाया जाएगा। नीचे का सीन दिख ही रहा होगा, ये सब पूरा पार्किंग है, बस कार कहते ही कचरा टाइप से दिख रहा है यार यहाँ का गाड़ी वगैरह को। सीन तो मत ही बोलो, बड़ी औसम है। गाइस हम फाइनली सोन प्रयाग पहुँच गए 10 मिनट चलने के बाद। पार्ले कहाँ गया? तो चाचा कैसा लगा इतना दूर चल के आपको? बहुत मज़ा आया ब्रो, बस थोड़ा सा हम लोग वजन ज़्यादा कर लिए, वरना मज़ा में 100x100 हो जाता पार्ले का। तो अगर आप यहाँ कभी भी आए तो कम से कम सामान लेके आए, कुछ भी मतलब बोलते हैं, हो सके तो कुछ भी मतलब आप जरूर कम से कम लेके आए। एक चड्डा ले आए, एक टी शर्ट ले आए, उससे काम हो जाएगा। ऊपर जाने के लिए आप एक लोअर ले सकते हैं, जींस ले सकते हैं, एक स्वेटर वगैरह ले सकते हैं। तो अपन बहुत भूखे थे तो अपन ने सोचा क्यों ना रेस्टोरेंट पे कुछ खा लिया जाए, तो अपन यहाँ पे खाना खाने के लिए चले गए। गाइस यहाँ पार्ले चाचा खाना खा रहे हैं, खाइए ना यार। ए अरे ये अकेले बच्चा है, ये खाली, ये खाली, वो खाली, चारों साथ में बैठे लेकिन अभी तक खा ही रहे हैं। यहाँ देखिए तेरे को ठंडा लग रहा है, गाइस यहाँ गाड़ी पार्किंग देख सकते हैं आप, यहाँ शोरूम है क्या? आपको यहाँ A to Z गाड़ी मिल जाएगी, जो गाड़ी चाहिए आपको आ सकते हैं यहाँ खरीदने के लिए। उधर तो अलग ही देखना बिल्डिंग वाला, और उधर तो देखिए बिल्डिंग पे जो गाड़ी पार्किंग हुई। गाइस हम लोग देख रहे हैं जो भैया हैं, जो भी अंकल हैं, इतना बोझा लेके जा रहे हो, अपन एक बैग नहीं थक पा रहे हैं। ये होता है जिगरा, जो कि अपने पास बिल्कुल नहीं है। यहाँ बारिश का मौसम बना हुआ था तो रहे भगवान, यहाँ बारिश का मौसम बना हुआ था तो अपन ले
रेनकोट पहन लिए हैं। दो डे अभी गार्डन किया है मैंने। ये रहा अनिल, ये रहा जितेश, ये रहा अपना बूढ़ा गधा बोल, जो कि बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, जो कि पूरी तरह हाँ छिटक गया क्या यार। यहाँ तरह तरह के चिड़िया वगैरह, यहाँ सोने का चैन मिलेगा आपको बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। केदारनाथ मंदिर ना है तो लो। क्या ले रहे हैं चचा? मैं देता हूँ भैया, मैं तो यहाँ पे रोशन करवा दूंगा। क्या गाड़ी से चीज आप लोग को बता दूं, कुछ भी हो जाए ज्यादा सामान लेके मत आना भाई। गाय देख रहे हैं फट रहा है, क्यों पार्ले को देख ही रहे होंगे आप। एक तो एक छोटा सा उसका बैग, उससे भी बड़ा सा। किसी को चाहिए क्या लड़कियां? किसी को झुमका चाहिए क्या जितेश? झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा। देखो ये बढ़िया था गुरु। वहाँ पे देखो, बस पैसा आप लोग को देना पड़ेगा। कहाँ पर? अरे उधर देखो पहाड़ जो पूरी तरह से बादल से ढक चुका है। और यहाँ अनिल पूरे पूरे 10 मिनट खड़ा रहा कुछ लेने के लिए, लेकिन बिल्कुल नहीं लिया। उसकी वजह से मेरा कंधा बहुत पेन कर रहा है। भाई कोई हल्का नहीं है, उठा के देख ले। जी तोर बैग ला तो भाई के सामने मजा नहीं है। बस हवा निकल गई। तो गाइस यहाँ पे केदारनाथ धाम में के सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है मात्र पोस्टर पे। इधर नदी बह रहा है, उधर भी देख सकते हैं नजारा। वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे पार्ले की बहन लोग जा रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी ब्रिज के पास, लोहे का पुल। यह रहा पुल, बहुत ही शानदार वजनदार। वाला लोग चलो भाई, चलो ना भाई, काला टाइम वेस्ट करता है भाई। पता नहीं पार हो रहे कि क्या हो रहा है। तो गाइस यहाँ से गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी मिलता है, पर अपन टैक्सी नहीं ले रहे हैं, अपन जाएंगे पैदल। यहाँ से टैक्सी का चार्ज है 50 रुपये, लेकिन अपन टैक्सी में ना जाना छोड़ के पैदल ही चलेंगे। तो यहाँ से शॉर्टकट है। यहाँ पे क्या कह दिया है, गौरीकुंड 32 किलोमीटर। भाई कहाँ से वे अपन डिसाइड कर लिए कि अपन पैदल ही जाएंगे। अपने जांगर में इतना शक्ति है कि अपन पैदल जा सकते हैं रे बाबा। क्या बोला तूने? अलग बात भाई, मुला काम नहीं बताया कि इतना बोझ नहीं लाना रईस बे। ठीक राकत ही तो भाई। तो यहाँ पार्ले की पूरी तरह से फट चुकी है। चलो 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 चलते हैं। अभी अपन चढ़ेंगे पहाड़। यहाँ पे है पहाड़ गाइस, मोहब्बत जाए भाड़ में, पहाड़ में गलत सीन में जा रहे हैं हम लोग। मोहब्बत जाए भाड़ में, बाबा चले पहाड़ में। Not bad, not bad. हट गई पार्ले। के चक्कर में पूरी तरह से हट चुकी है हमारी। हाँ भाई कैसी लगी? Inspired by thirst, I'm inspired by worth.
भाई ऐसे में एक ही बार में फकवाद हो गया यार।